कांग्रेस के सुरजेवाला प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि कल 6 तारीख है और ब्राह्मण समाज का पूरे देश में बंद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून में भी ब्राह्मण का डीएनए है। यह एक एक ऐसे बात बोलते हैं, ब्राह्मण के खून में कांग्रेस का डीएनए है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, ब्राह्मण बहुत तेज जात के लोग होते हैं, वह जानते हैं जो देश की समस्या क्या है। और देश के ऐसी स्थिति में भले ही वो कुछ भी कह दें, लेकिन ब्राह्मण समाज भटकने वाले नहीं हैं, वो निर्णायक होते हैं। वो सदा आज से पहले भी राजा राजवाड़ा का भी जो समय था उसमें भी मंत्री का पद ब्राह्मण समाज को ही मिलता था और मंत्री के खतना अनुसार ही राजा काम करते थे। आज भी उसका रोल अदा कर रहे हैं भारत सरकार में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं या पूरे देश में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उस रोल को अदा कर रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण समाज को बहुत सम्मानित करते हैं, बहुत मान्यता देते हैं, चूंकि बुद्धि से भरे हुए हैं तो विद्युतजनों को तो कोई आदर करता है, सत्कार करता है, इसीलिए हम सभी लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। और डीएनए में कोई फर्क नहीं है, डीएनए ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के लिए है, न कि कांग्रेस पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं 10 साल के बाद ये 4.5 साल बाहर रहे हैं तो कांग्रेस आपा खो चुके हैं, कभी दलित के साथ, कभी ब्राह्मण समाज के साथ, कभी SC ST को लेकर, कैसे देखते हैं? यह कहने वाली बात है, समूचे देश की जनता इस बात को देख रहे हैं। जो नाटक करते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, दलित के घर पर में जाकर के राहुल गांधी सो जाते हैं, कहते हैं हमको खाना खिलाइए, खाना खाते हैं, ये दिखावे से थोड़ी होता है। कह रहे थे हमारे नेताजी, एक हमारे समाजवादी नेताजी कह रहे थे जो का जाने दुखिया के माई, जाके पैर ने फटे पे बेमाई हो के समझे पीर पनाई। तो गरीब ही ना गरीब का दर्द जानता है, राहुल गांधी क्या जानेंगे, जो सोने के चम्मच में खाते हैं, चांदी के थाली में खाना खाते हैं, वो क्या जाने गरीब का दर्द। वह तो सिर्फ एक दिखावा है, जनता को दिखलाते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। ऐसे स्थिति, ऐसी दिग्भ्रमित अभी हिंदुस्तान की जनता होने वाले नहीं है। हिंदुस्तान की जनता चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब में ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञानवान हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों के इस चाटुकारिता से देश की जनता लाभान्वित होने वाले नहीं है। देश की जनता, जो बेटा काम करता है उसको बोनी मिलना चाहिए, उसको मजदूरी मिलना चाहिए। तो हिंदुस्तान के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात काम करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का मजदूर, किसान भाई, जनता जनार्दन सब उनका आशीर्वाद भाई नरेंद्र मोदी को मिलेंगे ही।